क्या है इसका? ग्रेटर नोएडा में ये तीसरा वर्ष, लेकिन जिस समय अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे और सारा समाज बिखरा हुआ था, तब 1854 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कार्यक्रम सार्वजनिक रूप में प्रारंभ किया। उस समय एकत्र होना, कार्यक्रम करना या पूजा पाठ करना, ये भयंकर काम था, लोगों के लिए बहुत डर लगता है। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इसको गणेश पूजा का स्वरूप देके, गणेश जी यह आद्य देवता है, सब देवताओं के देवता है, इसलिए उन्होंने इसका गणेश पूजा का स्वरूप दिया। और उस समय से ये कारण हुआ है समाज के सब लोगों को इकट्ठा करना, समाज के अंदर की कुर्सियाँ दूर करना, समाज को एकत्र आने के लिए मैसेज देना, यह इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। वही काम हम ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं। महाराष्ट्र समाज ग्रेटर नोएडा में छोटा है, लेकिन जो कुछ भी हमें सहयोग मिलता है वो सभी समाज के लोगों का मिलता है, सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहले आपने देखा होगा समय, अगर साई आरती, साई बाबा का, साई संध्या का कार्यक्रम है, श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम है, तो श्री बाबा जी का भी कार्यक्रम है। इस तरह से सबको एकत्रित करने का, सबको एक साथ खड़ा कर काम करने का ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में आप लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और हमें यह आशा है कि इसके साथ समाज के अंदर एक रूप आए, समाज एक साथ आएगा और समाज की बहुत सारी कुर्तियाँ निश्चित रूप से।